हमारे साथ मौजूद हैं नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, साथ ही एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के भी मिनिस्टर हैं। मोदी सरकार के शीर्ष मंत्रियों में गिने जाते हैं, साथ ही भाजपा का के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूरी कमान संभाली है और संघ का जहां हेडक्वार्टर है राजनीति में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद कारोबारी भी रहे हैं, यानी कारोबारियों को जो मुसीबतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसे भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो स्वागत है गडकरी जी आपका। नमस्कार। हमारे साथ हमारे सीनियर कुलीग गिरिराज शर्मा जी भी मौजूद हैं। गिरिराज जी। हाँ, धन्यवाद मुकेश जी। नमस्कार गडकरी साहब। नमस्कार। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया और कोरोना से जूझते इस देश को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। तो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश के चरमराते आर्थिक ढांचे को कितना संबल मिलेगा, और दूसरा चूंकि एमएसएमई भी आपके पास है तो एमएसएमई को भी 3 लाख करोड़ दिए गए और एमएसएमई की हालत किसी से छिपी नहीं है। निराशा में डूबा एमएसएमई क्या इस 3 लाख करोड़ के पैकेज से निराशा के भंवर से बाहर आ पाएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है, और ये जो वायरस है इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये आर्टिफिशियल वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। दुनिया के लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका वैक्सीन मिल जाए। अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे सभी प्रकार के जो निर्बंध हमारे ऊपर है, बंधन है, वो सब निकल जाएंगे और तब तक हमको संभाल के चलना होगा। ये देखिए कि ये केवल भारत पर संकट नहीं है, पूरे विश्व पर संकट है। और जिस प्रकार से अमेरिका, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यहाँ जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, यानी जिस प्रकार से जीव हानि हुई है, उस तुलना में भारत ने काफ़ी बड़े प्रमाण में इसमें सफलता हासिल की है, फिर भी ये एक बहुत गंभीर संकट है। तो पहली बात तो ऐसी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के साथ जीवन जीने की पद्धति को आम हिंदुस्तानी को समझना होगा। और इसमें तीन बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात यह है कि दो व्यक्तियों के बीच में सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा रहेगा, घर में, ऑफिस में आते जाते सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ साफ करें, और तीसरी बात, कहीं बाहर घूमते समय तो घूमेंगे और घूमेंगे तो मास्क पहनकर चलें। तो ये तीन बातें बहुत आवश्यक है और इसके सिवा हम लोग सर्वाइव भी नहीं हो पाएंगे और उसके सिवा हमारा कारोबार भी नहीं कर पाएंगे। ये इसके बारे में आप जैसे प्रमुख अखबार वाले जो है, टीवी मीडिया वाले हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक सबसे पहली बात है कि मैं पिछले दिनों में, ये कहाँ गए इसका कागज है, दिनों में आप समझ लीजिए कि मैं अभी 20-22 दिन हुए मैं लगातार ये सब जो कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, ये केवल 12 मार्च तक का है ना? हाँ, 12 मार्च। अभी तो मेरा 12 मार्च तक 72 मैंने वीसी की थी, अभी मेरी 104 तक हुई है, पर ये 1 अप्रैल से 12 मई तक, और मैं टोटल ट्विटर के द्वारा 4,72,00,000 लोगों के पास पहुंचा और फेसबुक के द्वारा 2,96,01,250, यानी 7,68,01,250 लोगों पर मैं ये 12 मई तक ही पहुंचा था। उसके बाद अभी 2 करोड़ कम से कम हुआ होगा, 10 करोड़ तक मैं पहुंचा हूँ। मैं टीवी मीडिया से मैं बातचीत की वो उसमें रखी नहीं है। एक बात मैंने ध्यान में ली, सब इसमें अलग अलग प्रकार, कोई प्लास्टिक अवशोषण था, कोई केमिकल अवशोषण था, जूते वाले थे, रेस्टोरेंट वाले थे, वेलनेस सेंटर वाले थे, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग, अलग अलग टाइप के लोगों से मिला, और मुझे सही में ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड रियलिटी पर लोग कैसी कैसी समस्याओं का सामना करते हैं, इसका काफ़ी कुछ ज्ञान भी मुझे मिला, मेरे कल्पना के बाहर मुझे जानकारियाँ मिली। तो एक बात मेरे ध्यान में आई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के मन में निगेटिविटी है,
फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है और थोड़ा सा माइंड सेटअप भी डिस्टर्ब हुआ है, साइकोलॉजिकली भी लोग डिस्टर्ब हुए हैं। और यही कारण है कि हमारे जो लेबर काम करने वाले थे, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई ऑटो रिक्शा में बैठकर मुंबई से पटना की तरफ चलने लगा, ये संभावना नहीं थी। पर ये इस प्रकार से लोगों में डर और फियर पैदा हुआ। तो पहली बात तो एक ऐसी है कि हमें सभी स्टेक होल्डर्स में, जिसमें मैं मानता हूँ कि माइग्रेंट लेबर से लेकर इंडस्ट्री तक, सब लोगों को, लोगों में पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा करना पड़ेगा कि हम इसका प्रतिकार करेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। ये पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास निर्माण करना इस समय देश में सबके लिए एक प्रमुख बड़ा एजेंडा है। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मार्फत आप जरूर इसको करते भी होंगे और आगे करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो कोरोना की वॉर है ये तो हम जीतेंगे, पर इसके साथ इकोनॉमी की वॉर शुरू हो गई है। दुकानें बंद है, हमारे उद्योग बंद है, लोगों का रोजगार चला गया है, आर्थिक दृष्टि से लोग बहुत अड़चन में आए हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि लोग बहुत बड़ा गहरा संकट महसूस कर रहे हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब संकट आता है तो जनता एक तो भगवान से या सरकार से अपेक्षा व्यक्त करती है। अब मैं जब ये कहा तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई अमरीका ने टोटल 2 ट्रिलियन का बजट रखा है, जापान ने अपना 12% GDP इसके लिए दिया है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा भी थी, तो मैंने उनको समझाया, देखिए जापान की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी की तुलना नहीं हो सकती, फिर भी भारत सरकार ने अपने 10% ऑफ GDP को यानी 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया है। अब सवाल यह है कि ये और भी करना चाहिए, ऐसा लोग कह सकते हैं, पर आप जो इस समय एक बात आप समझ लीजिए, इस समय अड़चन में कौन नहीं है? इस समय सरकार, राज्य सरकार के पास अगले महीने तनख्वाह देने के लिए पगार नहीं है, ऐसी स्थिति है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रेस से जा रही है, चैलेंज से जा रही है, और विशेष रूप से MSME इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में। हमारे जो रोजगार जिनको मिला था वो लेबर तो बहुत ही मुश्किल में, उनको खाने की स्थिति में भी अड़चने आ रही है। और इसलिए इस समय आप अखबार वालों को एडवर्टाइजमेंट बंद हो गई है, वो भी एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू बंद होगा तो तनख्वाह कहाँ से देंगे? तो कौन इस समय में हमको पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ गुजरना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये जो अटल जी की कविता थी वो बहुत अच्छी थी। और दूसरी एक बात जरूर थी कि वो हम होंगे कामयाब या कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बातों को हमने याद में रखना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इसमें जीतेंगे, कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे। और ये जो आर्थिक लड़ाई है इसके बारे में अभी आपको एक संक्षिप्त में इतना ही कह दूं, इस समय मार्केट में लिक्विडिटी आनी चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों तक। और ये लिक्विडिटी आएगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार की क्षमता बढ़ेगी और हमारी ग्रोथ इससे बढ़ेगी। और स्वाभाविक रूप से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, पर यह करते समय स्वाभाविक रूप से हमारे सामने काफी संकटें भी है, कुछ मर्यादा भी है, और ये करते समय हम सबको संभलना और ये ग्रोथ को बढ़ाना होगा। और जब तक ये बढ़ाना भी, ये बड़ा चैलेंज है, ये आसान काम नहीं है। और मुझे लगता है इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारी सरकार ने दिया है, तो उसी को लेकर आगे जाना पड़ेगा। सर आपने गडकरी जी, गिरिराज जी पूछे, आपने शुरुआत में एक बात कही कि कोरोना वायरस नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है और लेबोरेटरी में बना है, और आपने कई जगह भी इसको कहा है, तो इसके पीछे सरकार के पास कुछ आधार है या सरकार ने इससे संबंधित कुछ तथ्यों को पकड़ा है? पहली बात तो मैंने क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ, उसको एग्जैक्टली वही कोट करिए, मिसकोट मत करिए। मैंने कहा देर आर 2 टाइप ऑफ वायरस, वन इज नेचुरल वायरस और एक है अननेचुरल, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं। जो नेचुरल वायरस है, डेंगू होगा, बाकी दुनिया भर के जो अपने यानी कि आप लोग वैक्सीन ले लेते और नहीं होता, तो लोगों को नोन है वो वर्ल्ड में। और ब्राजील में जाना है तो एक पीला रोग होता है, तो यहां से एक वैक्सीन लेना पड़ता है।
तो ब्राजील में जाने के पहले हमारे उनके एम्बेसी में हमको वीजा तभी देते जब वो लेते हैं। तो ये जो नॉन वायरस थे, जो नेचुरल थे, उसके ऊपर वैक्सीन भी था। तो मैंने ये कहा कि ये आर्टिफिशियल वायरस है और इसलिए वर्ल्ड में किसी देश के पास इसका वैक्सीन ही नहीं, क्योंकि अभी आया ही नहीं है, ये पहली बार आया है। और इसलिए मैं ना कोई विवाद में पड़ना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब ने क्या कहा और चीन ने क्या किया और कौन सी, ये बाकी बातों में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये आर्टिफिशियल वायरस है और दुनिया भर के साइंटिस्ट के पास इसका वैक्सीन नहीं है। अब संभावना ये है, जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, रोज हम लोग इधर उधर से पढ़ रहे हैं कि अनेक देशों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि 5-7-8 दिन में शायद इसके बारे में फाइनल टेस्ट लोगों की होकर इसके बारे में वैक्सीन आ जाएगा। अगर वैक्सीन आएगा और हमने लिया तो हमको लॉकडाउन रखने की जरूरत ही नहीं, कोई कहीं भी जाएगा, कहीं भी बैठेगा, हवाई जहाज में जाएगा, रेलवे में जाएगा, क्योंकि वायरस का उसके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग कैंप लगाएंगे, लोगों को एक बार वैक्सीन दे देंगे और वैक्सीन देने के बाद सर्टिफिकेट लेंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि यही इतनी बात मैंने कही थी। बाकी मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, चाइना, अमेरिका, लेबोरेटरी, कुछ मेरे मुंह में बातें डालकर मेरा कोई कॉन्ट्रोवर्सी से संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। ओनली मेरे को इतना ही कहना है कि ये आर्टिफिशियल वायरस है। अब आर्टिफिशियल वायरस जो होता है वो नैसर्गिक नहीं है, मैंने क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वायरस का वैक्सीन अभी तक निकला नहीं है, इतना ही मैंने कहा था। और यही बात मैंने कही, अब लोगों ने उसके ऊपर कुछ अपनी बातें जोड़ के लोग कुछ लिखते थे तो वो सही नहीं है। मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं गिरना चाहता, ना मुझे कोई फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में, किसी देश के बारे में ना कोई टिप्पणी करनी है ना पढ़ना है। मैंने केवल इतना ही बताया कि वैक्सीन मिल जाएगा तो रिलीफ मिल जाएगा। और वैक्सीन क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल वायरस के वैक्सीन अवेलेबल है, ये आर्टिफिशियल वायरस है ये नहीं है, इतना ही कहा। मुकेश जी, आपने ठीक कहा। हालांकि वैक्सीन जब बनती है तो उसकी एफिकेसी, यानी कि वो कितने लोगों को सुरक्षा कवच दे पाती है, ये भी, कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी नहीं होती आमतौर पे, और बहुत लिमिटेड भी हो सकता है एफिकेसी, हो कितने समय में आएगी ये भी अभी तय नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से डील करना है। अब बात ये होती है गडकरी जी कि सरकार बार बार ये कह तो रही है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, लेकिन क्या कहीं आपको लगता है कि जो एक तरफ तो लिक्विडिटी की बात है और साथ ही जो आपने दूसरी तरफ डिमांड को बढ़ाने की जो बात की, आपने कहा लिक्विडिटी को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डिमांड अगर बढ़े तो इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिल जाएगा। आप भी कई बार ऐसी बात पहले कहते रहे हैं कि लोगों को सीधा जो बेनिफिट है उसकी बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है इसके बीच में बैलेंस और बेहतर हो सकता था? आप देखिए, पहली बात तो आप जो कुछ बोल रहे हैं वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और आप सबको इकोनॉमिक्स की जो बात है उसको हमको और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना होगा। अब आप जो कह रहे वही बात है मैं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपके अखबार में अगर आपको 3 महीने तनख्वाह नहीं दिया गया तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए मैं, मुझे मालूम नहीं कहीं मैं आपका उदाहरण लिया इसका मतलब मुझे कोई पता नहीं, तो प्रतिदिन वाले मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। पर आपको समझो 3 महीने तनख्वाह नहीं दिया, तो आपको समझो 3 महीने का तनख्वाह 3 लाख रुपए है। अगर ये 3 लाख रुपए अगर आपको मिलते तो आप घर में बच्चों के लिए कपड़े खरीदते तो कपड़े वाले को टर्नो चालू होता, आप किराना खरीदते तो 10-15 हजार रुपए का किराना महीने से तो 3 महीने में वो होता, फिर आप शायद एक आधे बार कोई एसी या टीवी खरीद लेते तो उसका दुकान चलता, फिर जो एसी टीवी कपड़ा और किराना जिसने बेचा उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिला उससे वो जाकर रेस्टोरेंट में जाकर खाएगा तो रेस्टोरेंट वाले को धंधा मिलेगा। तो ये जो लिक्विडिटी होती है ये मल्टीप्लाई इफेक्ट देती है और इसलिए इसको इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं कि परचेसिंग पावर, खर्चा करने की शक्ति, स्पेंडिंग पावर आपकी बढ़ाना। अब यह कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे हमारे यहाँ पिछले 5 साल में मैंने 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए। अब मैं शिपिंग और पोर्ट्स का मंत्री था और उसमें बजट था 800 करोड़ का और 5 साल में होते 4000 करोड़, पर मैंने 16 लाख करोड़ का एक सागरमाला करके कार्यक्रम जाहिर किया था। हमारे 12 मेजर पोर्ट हैं और मैं उस समय हमारे पोर्ट की प्रॉफिटेबिलिटी 7000 करोड़ हुई, इफिशियंसी बढ़ी,
वर्ल्ड स्टैंडर्ड की तुलना में हमारे पोर्ट हो गए, और वो पोर्ट के क्रेडिट पर मैंने पैसा खड़ा किया, पोर्ट ने काम किया, और 16 लाख करोड़ सागरमाला में जो कार्यक्रम था 6.5 लाख करोड़ के काम पूरे भी हुए। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि मैं जब जिनको इकोनॉमिक्स नहीं समझ, बोलते गडकरी झूठ बोल रहा है, 800 करोड़ का बजट है तो 4000 करोड़। आपने जी अलग अलग मंत्रालयों में ये चीजें करके दिखाई है, इसीलिए आप सबसे सही व्यक्ति हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बात कंप्लीट कर दूं। अब मैं रोड सेक्टर में भी काफी काम राजस्थान में भी हुए, आपको पता है। अब मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं थी। अब हमारा जो NHA है उसको AAA रेटिंग वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड के एजेंसी ने दिया हुआ है, और हमारा टोल का इनकम 28,000 करोड़ है, और इस साल के एंड तक हम 40,000 करोड़ होंगे, और मैं 5 साल में इसको 1 लाख करोड़ करूंगा। अब मैंने क्या किया, ये इनकम के साथ मार्केट से पैसा खड़ा किया। अब मैं वर्ल्ड बैंक, ADB, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ब्रिक्स बैंक सबकी इन्वेस्टमेंट लाने वाला हूं, और मैंने ये तय किया है कि 2 साल में मैं 15 लाख करोड़ के काम अवार्ड करूंगा। ये कठिन है, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है, ये टारगेट है। अगर ये पूरा भी हो सकता है, पूरा भी नहीं हो सकता है, 2 साल के बाद आप देखना, अगर नहीं हुआ तो बोल देना कि गडकरी टारगेट नहीं पूरा कर सका, पर ये टारगेट है, दैट नॉट कमिटमेंट। तो अभी आपको मैं बताता हूँ ये क्या होगा। अगर मैं ये पैसा लाकर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट को दूंगा तो स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, लेबर सबको रोजगार मिलेगा, इंजीनियर को काम मिलेगा, तो मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। जिनको रोजगार मिलेगा वो पैसा दूसरा खर्चा करेंगे, वो तीसरे के पास, वो चौथे के पास, तो ये जो मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है उसको लिक्विडिटी बढ़ाने से होगा। अब 20 लाख करोड़ भारत सरकार के, फिर 20 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, 10 लाख करोड़ कम से कम राज्य सरकार के इन्वेस्टमेंट से, ऐसे 50 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में पंप हो जाएंगे तो हमारा जो इकोनॉमी का व्हील है, जो चक्र है, वो गतिशील बनेगा, और उसके कारण फिर से एक बार राहत मिल सकती है। उपाय यही है कि जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आएगी, जब तक हमारे कारण परचेसिंग पावर आम आदमी की नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारा ये जो इकोनॉमी है मल्टीप्लाई नहीं होगी, और इसलिए हमको इस समय मार्केट में लिक्विडिटी लाने के बाद, परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद आर्थिक चक्र गति से घूमेगा, और यही कोशिश सरकार ने की है। अब सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, इन सब सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर पढ़ना पड़ेगा। और अब जैसे ये पैसा आएगा, अभी राजस्थान है, आपका इकोनॉमी टूरिज्म पर है, अब समझो ये कोरोना थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और सबके पास पैसे आएंगे तो लोग राजस्थान घूमने के लिए आएंगे, जयपुर घूमने के लिए आए, ताजमहल घूमने के लिए आएंगे, तो पैसा स्पेंड करेंगे, होटल में रहेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, टैक्सी करेंगे, बस में बैठेंगे, तो इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी। अब जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म भी ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खर्चा होती है, तो जिस दिन टूरिज्म बढ़ेगा उस दिन राजस्थान को बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज द वे कि जो हमारी इकोनॉमी का चक्र गतिशील बनाने का ये सोच रखकर प्रधानमंत्री जी ने टोटल GDP का 10% 20 लाख करोड़ हमारे लिए ये पैकेज दिया है। जी, इसमें सोच ये है कि अगर कंपनियों को देंगे वहां से सैलरीज के थ्रू और कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वो नीचे तक जाएगा, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो सीधे आम आदमी की जेब में देने की बात है, जो 500 रुपए दिए भी गए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए 500 रुपए दिए गए, उसमें आप अगर जोड़े 30 दिन में, और अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं, हर रोज 3.37 रुपए होते हैं गडकरी साहब, तो क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा और बढ़ा दिया जाए अभी ऐसे समय में, जो जनधन खाताधारी महिलाएं हैं उनको अगर 500 रुपए दिए गए महीने के, 3 महीने जो दिए जाएंगे, क्या लगता है वो थोड़ा सा और अगर बढ़ा देते तो वो परचेज करेंगे, उन्हीं कंपनियों को फायदा होगा, क्या ये भी एक देखिए पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो 35 करोड़ लोग आते हैं उनको ऑलरेडी पैसा दिया गया, फिर महिलाओं के निकाल कर उनको भी पैसा दिया गया, अब रेशन के भंडार गेहूं चावल खुला कर दिया, हमारे पास 3 साल तक रहेगा, हमका रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, इतना गेहूं और चावल है, रखने के लिए जगह नहीं है, तो हमने वो भी बड़े प्रमाण पर मार्केट ओपन करके, भंडार के दरवाजे ओपन करके सब जगह अनाज बांट दिया, अनाज दे दिया। अब प्रश्न ऐसा है कि एक तरफ अभी जो MSME है, अभी आप देखिए कैसा इफेक्ट होता है, हमने 3 लाख करोड़ हमारे यहाँ MSME को मिले हैं जिनका
लोन 25 करोड़ तक है और टर्नओवर 100 करोड़ तक है, उनको विदाउट कोलैटरल, कोई एडिशनल गारंटी ना मांगते हुए, कोई फीस ना लेते हुए, उनको हमने ये जो है 45 लाख एमएसएमई को 3 लाख करोड़ बांट दिए, उनका 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया। अब उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो रॉ मटेरियल खरीदी करेंगे, मशीन खरीदी करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो नेचुरली लेबर को काम मिलेगा, लेबर के हाथ में पैसा जाएगा। तो ये अगर ऐसा ये जो पैसा जाएगा इससे राजस्थान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर ये टर्नओवर होगा तो सेल टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है। तो 3 लाख करोड़ ये 45 लाख एमएसएमई को गया। फिर इसमें साथ हमने 31 मार्च तक 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था जो अड़चन में थे। फिर ये डेट मैंने 31 दिसंबर तक बढ़ाई और उसके बाद में अभी 25 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर होगी। और हमने और किया कि जो सबॉर्डिनेट डेट फंड था वो 20,000 करोड़ दिया। अब उसमें एनपीए नॉर्म्स के हिसाब से जो इंडस्ट्री का रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता उनको ये 20,000 करोड़ में से हम सरकार के द्वारा इक्विटी देंगे और वो उनके नाम में बैठकर वो रिस्ट्रक्चरिंग होगा, इसमें 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। फिर एक फंड ऑफ फंड हमने 10,000 करोड़ किया है, उसमें अदर बाकी फंडों को जोड़कर 50,000 करोड़ एक इक्विटी इन्फ्यूजन का लाया। अभी एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज होगी, जो अच्छी एमएसएमई है जो एक्सपोर्ट करती है जिसको ट्रिपल ए रेटिंग है, उनको हम कैपिटल मार्केट में जाकर वो अगर अपने इक्विटी के लिए शेयर इकट्ठा करते हैं, अगर वो 50 करोड़ का शेयर अगर जाते हैं मार्केट में, तो एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज, ये जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है उसमें एक एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज हो, ये हमारी कल्पना है। और अगर वो 50 करोड़ खड़ा करना चाहते हैं तो 7.5 करोड़ भारत सरकार देगी। फिर हमने एनबीएफसी को पैसा दिया, उनको ताकतवान बनाया। और मुझे लगता है इसी से ही अभी आपको देखो, ये एनबीएफसी है, ये जितने आपके ट्रक टैक्सीज छोटे छोटे लोगों को एनबीएफसी फाइनेंस कर रही है, अब इनकी भी ताकत बढ़ा रहा है। अभी हमने निर्णय ऑलरेडी किया था कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनको भी अब एमएसएमई की योजनाओं का अभी वो भी कर सकते हैं, तो उसका व्याप्ति बढ़ा दी, एनबीएफसी को भी दे दिया, तो अब लोग सब छोटे छोटे उद्योगों को फाइनेंस करेंगे और इससे इकोनॉमी गतिशील बनेगी, ऐसी कोशिश है। ये कठिन है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, पर इससे अच्छे परिणाम आएंगे ऐसा मुझे लगता है। अभी आपने एमएसएमई 3 लाख करोड़ के पैकेज से किस तरह आगे बढ़ेगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इसी से जुड़े दो सवाल ये निकलते हैं कि क्या इस 3 लाख करोड़ के पैकेज से एमएसएमई की कैश की जो सीधी समस्या है वो सुलझ पाएगी, और दूसरा ये कि लोन के मोर्चे पर एमएसएमई सेक्टर हमेशा निराश रहा है, कोई भी बड़ा बैंक छोटे कारोबारियों को लोन देने में हिचकता है, तो क्या अब वित्त मंत्री जी की जो अभी हाल की घोषणाएं हैं इसके बाद हालात बदलेंगे, क्या बड़े बैंक छोटे कारोबारियों को लोन आसानी से देंगे? इसीलिए पहले दूसरे बात जो दूसरा सवाल है आपका उसका जवाब देता हूं। केवल नेशनलिस्ट बैंक और सिडबी, ये दो ही केवल एमएसएमई को लोन देती थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सब देंगे तो उसका दायरा बढ़ाया गया, तो नेचुरली कंपटीशन होगी और लोन अवेलेबल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 3 लाख करोड़ अगर मिलेंगे, अब मुझे बताइए कि आप एक इंडस्ट्री है, एक कारपेट बनाने वाली जयपुर में इंडस्ट्री है और उनका वर्किंग कैपिटल 10 करोड़ का है और इस समय वो तकलीफ में, ना रॉ मटेरियल खरीद पा रहे, ना माल बना पा रहे, अड़चन में, ना एक्सपोर्ट ऑर्डर भर पा रहे, क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। अब 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल होगा 12 करोड़ इमीडिएटली विदाउट कोलैटरल गारंटी, और उसके बाद ये जो 12 करोड़ बनेगा, जो 2 करोड़ एडिशनल आएगी, उससे उसकी गाड़ी चालू हो जाएगी तुरंत, फिर वो मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदी करेगा, फिनिश प्रोडक्ट तैयार करेगा और एक्सपोर्ट शुरू करेगा और प्रॉफिट कमाएगा, तो फिर वो जो गाड़ी अटकी हुई है वो शुरू हो जाएगी। ये जो 2 करोड़ है ये मार्केट में आएंगे, यानी जितने एमएसएमई का वर्किंग कैपिटल जो था उसमें 20% बढ़ के आएगा, तो नेचुरली वो वर्किंग कैपिटल ऐसा है, पैसा कहीं बैठता नहीं शांति से, पैसा घूमते रहता है, आपके जेब से निकला मेरे जेब में जाएगा, मेरे जेब से निकला उसके जेब में जाएगा, तो ये जो पैसे का लक्ष्मी का जो भ्रमण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, और ये निश्चित रूप से शुरू होगा। अब ये स्थितियां कठिन भी है,
इससे हमको जो जो उपाय योजना वो करके आगे जाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ाना होगा, और जो ट्राइबल एग्रीकल्चर रूरल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, जो पिछड़े हुआ क्षेत्र है जैसे, उस क्षेत्र में हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये प्रायोरिटी हमारी है। और मैंने एमएसएमई में जब आप आगे सवाल पूछेंगे तो मैं उसको जवाब भी दूंगा। ठीक है राज जी। सर मैं इस बातचीत को वापस थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि मजदूरों में और नौकरी पेशा में अनिश्चितता और असुरक्षा और अविश्वास का सा माहौल है, और इसको हम पॉजिटिविटी के साथ हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो अभी बात चल रही है वो है पे सिक्योरिटी की। तो आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ये पे सिक्योरिटी? कौन सी सिक्योरिटी कह रहे हैं? पे सिक्योरिटी, जो एमएसएमई तनख्वाह नहीं दे पा रही कंपनियां तनख्वाह। देखो उसमें ऐसा है, देखिए हम लोगों की मांग ये थी कि ये जो जो फंड है अपना ईएसआई का, वो कम से कम 80,000 करोड़ है, उसमें 3 महीने की सैलरी देनी चाहिए, ऐसी मांग थी। अब ऐसा देना है क्या ऐसा देना? ये ईपीएफ सपोर्ट एंड अक्टूबर 2500 करोड़ बेनिफिट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ एस्टिमेटेड 3,67,000 units विथ 72.2 लाख एम्प्लॉयज टू बेनिफिट। ये पैसा उनके पास जाएगा। सेकंड, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस टू 10% फॉर 3 मंथ। ये जो ईपीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री का, वो हमने 10% फॉर 3 मंथ करके रिड्यूस किया, वही उनका फायदा हो गया, वो पैसा सरकार भर रही है। दैट लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ ₹6,759 करोड़ हम ये इंडस्ट्री के ऑन बिहाफ भर रहे हैं। तीसरी बात, टू बेनिफिट 6.5 लाख एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर ईपीएफओ एंड 4.3 एम्प्लॉयज 4 करोड़ 3 लाख एम्प्लॉयज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन विद एडिशनल फंड्स एट हैंड। तो ये हमने उसमें से किया है। सैलरी के बजाय इस प्रकार से वो पैसा हमने ऑलरेडी दिया है, जो एक प्रकार से उनके पास पहुंचने वाला है। अच्छा सर, अभी सरकार ने क्या है कि छोटी कंपनियों का आकार बढ़ाने की बात भी कही, और माना ही गया है कि छोटी कंपनियों का आकार बढ़ाने से क्या है कि उनमें निवेश आ सकेगा। बैंक लोन की गारंटी की बात भी कही गई है। तो क्या आपको लगता है कि अब शेयर बाजार की जो लिस्टेड कंपनियां हैं और निवेशकों का भरोसा भी छोटी कंपनियों की ओर बढ़ेगा? देखिए मैं बीच में आज ही मैंने सुबह एक्सपोर्ट काउंसिल के जो चैम्बर है उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। आप राजस्थान में भी पता करिए और देश में भी ऐसी कंपनियां है छोटी छोटी जो 300-400-500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है, और इनमें बहुत क्षमता है। जैसे अभी आपको मैंने एक को अवार्ड दिया, एक महिला को, वो 700 करोड़ का एक्सपोर्ट करती है। आपके जो राजस्थान में जो जूती बनती है ना, वो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन की वगैरह, उसका वो काम मुंबई में, उनको मैंने अवार्ड दिया था। अब देखो इसमें क्या था कि हमने 14 साल से ये बदला नहीं था। अब ये भी समझ लीजिए कि डेफिनेशन कैसे बदली है। अब ये एमएसएमई की डेफिनेशन जो पुरानी थी उसमें क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस एंटरप्राइज अलग अलग थे, और माइक्रो में पहले इन्वेस्टमेंट थी 25 लाख रुपए और टर्नओवर था 10 लाख रुपए। अभी हमने किया है माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, 4 गुना बढ़ाई है, और टर्नओवर किया 5 करोड़, ये कम से कम 50 गुना बढ़ा है, नहीं करीब ये 5 करोड़ था, 10 लाख का 5 करोड़ यानी कितना होगा आप देखिए। अब दूसरी बात, स्मॉल स्केल सेक्टर था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट था 5 करोड़ का और टर्नओवर था 2 करोड़ का। अब हमने किया है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की, दुगनी की, और टर्नओवर किया 50 करोड़ यानी 25 गुना बढ़ाया। फिर तीसरा जो मीडियम था उसमें इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ की और वो अभी हमने इन्वेस्टमेंट की 20 करोड़ की। अब अभी हमने ये जो इन्वेस्टमेंट यानी ये जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीनरी वगैरह में जो होती है इक्विपमेंट में, अब हमने इसको 50 करोड़ कर दिया है। 20 करोड़ का था, अभी बहुत लोगों की मांग है 50 करोड़,
और जो टर्नओवर जो था 5 करोड़ का वो 100 करोड़ किया है, अभी हम लोग 250 करोड़ कर रहे हैं, और 250 करोड़ करने के बाद भी जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा वो इससे बाहर निकल जाएगा, वो इसमें नहीं पकड़ा जाएगा, तो नेचुरली इतना बड़ा स्पैन कवर हो जाएगा कि जिनको एमएसएमई का एडवांटेज मिलेगा। ये रिवोल्यूशन है, अगर आप इस बात को अगर कहीं आपको समझने में अड़चन आती तो मुझे पूछिए। ये एकदम हमने इतना बड़ा दिया है कि अब इसमें लोग 5-5 एमएसएमई खोलते थे, 4 रजिस्ट्रेशन लेते थे, फिर उसमें इसमें उसमें ये सब प्रॉब्लम थे, अब इसमें सब निकल गए और अब एक्सपोर्ट का टर्नओवर भी इससे निकाल दिया है, तो ये एडवांटेज निश्चित रूप से होगा। तो सर ये जैसे छोटी कंपनियों का आकार बढ़ाना, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, इस कई तरह के रिफॉर्म्स अभी चल रहे हैं, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि निवेश आएगा, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है उसमें निवेशक ही तो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। देखिए पहली बात तो ऐसी है, निवेशक डरा होने के बाद में भी वो पैसा घर में कोई फ्रिज में या वॉल्ट में नहीं रख सकता। पैसे के रिटर्न्स कब मिलते हैं? जब वो डिपॉजिट करेगा, किसी को शेयर खरीदी करेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, उसमें रिस्क हो सकती है। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो ही उसको फायदा होगा, तो आखिर कितना भी डरा हुआ निवेशक होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करनी है। अब दूसरी बात, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, ये आपत्ति में इष्टापत्ति है। अब ये वर्ल्ड के जो जितने इन्वेस्टर है वो चाइना में गए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, पूरे वर्ल्ड में अब चाइना के प्रति हेट्रेट है। जापान ने तो बड़ा पैकेज डिक्लेयर कर दिया, यूएसए भी वही है, सब लोग चाहते हैं। अब उनके पास अल्टरनेटिव क्या है? जैसे आपका अगर मीडिया होता है, एक अखबार नहीं लिया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तो कहीं ना कोई सुबह अखबार तो चाहिए। टीवी का एक की न्यूज नहीं सुने तो दूसरी, दूसरी तीसरी ऑप्शन है। अब इनको अभी ऑप्शन चाइना के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन इंडिया है, जहां स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है, और जहां सबसे बड़ा मार्केट देश में ही है। ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट यही है, तो इसलिए अब वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर कंपनीज अब हिंदुस्तान में। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं, आपका एज कितना है मुझे पता नहीं, पर मेरा एज अभी 62 कंप्लीट हो रहा है, तो मेरे बचपन में मैं जब संघ और जनसंघ में काम करता था, तो ये 75 के पहले की बात है, ये संजय गांधी ने एक मारुति करके गाड़ी निकाली थी, और इंदिरा जी तब प्रधानमंत्री थी, और इसके बारे में वो कुछ चल नहीं पाई, तो मारुति को टेकओवर किया सुजुकी ने, जापानी कंपनी ने। तो हमारे यहाँ उस समय हमने सबने इसका विरोध किया था, तो विरोध किया तो स्वाभाविक रूप से वो लोगों में लगा, फॉरेन कंपनी को दिया, ये दिया, वो दिया, ढकारा दिया, बहुत भाषण होते थे कि इंदिरा जी ने ऐसा किया वैसा किया। आपको पता है उसके पहले क्या था? ये फियाट और एम्बेसडर बनाने का लाइसेंस था। अभी महिंद्र को कितने जीप बनाना, ये इंडस्ट्रीज मंत्री लाइसेंस देता था, जॉर्ज फर्नांडिस जब थे तब ये बातों को क्लियर किया था कि ये लाइसेंस मिलता था कि इतनी आप यूनिट बनाओ, क्योंकि हमारी सोच उस समय वैसी थी। अब जैसे ये सुजुकी आई, इसने गुड़गांव का तो नक्शा बदला, पर आपको पता है आज क्या स्थिति है? अभी हमारा टर्नओवर 4,50,000 करोड़ हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का टर्नओवर है, और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्रांड मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर वॉल्वो से लेकर सब दुनिया भर की टोयोटा होंडा सब हिंदुस्तान में आए, हुंडई सब आए, और अब हमारा टर्नओवर जो 4,50,000 करोड़ का है उसमें से बजाज और टीवीएस जो हमारी इंडियन कंपनी है ये 50% बाइक एक्सपोर्ट कर रही है। आप श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो आपको बजाज, महिंद्रा, टाटा, इनके ट्रक, इनकी बसेस दिखती है। अब मुझे बताइए इसमें से 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, मैं इसका मंत्री हूँ ट्रांसपोर्ट का। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, इन्होंने देश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी ने दिया है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने दिया है। आप मुझे बताइए कि अगर फियाट और एम्बेसडर का वही गाड़ियां वैसी रहती और वही लाइसेंस राज रहता और ऑटोमोबाइल का कभी अपग्रेडेशन नहीं होता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कंपनियां नहीं आती, तो क्या 4,50,000 करोड़ का टर्नओवर होता? क्या हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार को रेवेन्यू मिलता? क्या लाखों एंसिलरी यूनिट को काम मिलता? ये पूरा गुड़गांव उसके भरोसे खड़ा है, मारुति सुजुकी के भरोसे।
और इसलिए टोटल चेंज हो गया यार। अब हमें इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बसेस ला रहा हूं, और मैं आपको अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहा हूं, 15 साल के बाद गाड़ियों का स्क्रैपिंग होगा। तो ये पॉलिसी अगर आ जाएगी तो हमारा रॉ मटेरियल कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, प्लास्टिक, ये एकदम वेस्ट भाव में मिलेगा और इसका रिसाइकलिंग होगा। और मैंने तो और एक किया है कि कांडला पोर्ट में 18 मीटर का ड्राफ्ट बढ़ाने का निर्णय किया था, ताकि देश भर का जितना भंगार है वो गाड़ा दबा दबा कर वो पूरा हमारे देश में आए, और उससे हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो सस्ता होगा। मटेरियल, रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण स्पेयर पार्ट सस्ते होंगे, और आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान ऑटो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर एक का हब बनेगा। अभी आप हमारे बीपीटी जाओ मुंबई पोर्ट पर, 3.5 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए, कार, बसेस, ट्रक। आप टुटीकोरिन जाओ 5.5 लाख। अब ये ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस एक्सपोर्ट, इसकी एंसिलरी किसकी है? छोटे छोटे लोगों की है। इनको रोजगार क्यों मिला? क्योंकि ये एक्सपोर्ट बढ़ा। तो मुझे लगता है यही नीति है जो इसी इन्वेस्टमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, कैपिटल भी आएगा, और निश्चित रूप से यही मार्ग है देश को विकास की ओर ले जाने का, और इसमें निश्चित रूप से फायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी गडकरी जी, लेकिन देखिए कि आपने कहा कि जैसे विदेशी कंपनियां आई और उससे रोजगार भी बढ़ा और निवेश भी बढ़ा, लेकिन अभी आप ही की सरकार ने गृह मंत्रालय के तहत जितने आर्म फोर्स आते हैं उनकी कैंटीन में ऑर्डर जारी कर दिया कि सिर्फ मेड इन इंडिया, और ब्रैकेट में स्वदेशी भी लिखा था, सिर्फ यही प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर आप विदेशी निवेशकों को इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट को हम बेचेंगे नहीं, तो फिर कैसे दोनों बात करेंगे? आपको और बात नहीं कही आपने, हमने 200 करोड़ रुपए के टेंडर को ये कहा है कि अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, इंडियन कंपनी को ही मिलेगा। ये देखो, ये वॉच है मैंने हाथ में लगाई हुई, ये इसका बेल्ट है खादी का, और इसका डायल भी खादी का है, ये टाइटन ने बनाई हुई है। मैंने लॉन्च किया था इस वॉच को और 1 महीने में आउट ऑफ मार्केट हो गई। अभी खादी का जो डेनिम है, जो जीन बनता है, एक कौन सा ब्रांड है अमेरिका का, लिवाइस, हमारा पूरा डेनिम वर्ल्ड में जा रहा है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। अब राजस्थान में जोधपुर में ही शायद मैं ठीक होऊंगा, कितना 1200-1400 करोड़ का एक्सपोर्ट है, वहां के लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हम विदेशी कंपनी आए किसमें आए, जिसमें हम नहीं है। हमारे प्रोडक्ट का जैसे हमको कैपिटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी परिस्थिति बदलेगी। और इसलिए जो हम जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक कार में लिथियम बैटरी है, अब लिथियम बैटरी हम नहीं बनाते तो हमको बाहर से लेनी पड़ेगी, उसकी इंडस्ट्री आएगी। तो नेचुरली ये विरोधाभास नहीं है। जो हमारे पास अभी पीपीई किट, अभी 20 दिन पहले अभी हमने 1.5 करोड़ पीपीई किट चाइना से लाई। आपको पता है मैंने नागपुर में हमारा एक एमएसएमई का यूनिट है, हमारा टेक्सटाइल क्लस्टर है, उसकी एक फिल्म भी आई है, अगर ये आपको बाद में भेज देंगे इसके बाद में, वो फिल्म है, मैं ये इंग्लैंड पीटर नाम का एक ब्रांड है, उसका शर्ट नागपुर में बनता है। मैंने वो 15-20 लोगों को बुलाया, हाँ पीटर इंग्लैंड, तो उनको बुलाकर मैंने कहा कि आप करो ये किट बनाओ। उन्होंने इतनी सुंदर किट बनाई, उसको सब अप्रूवल मिल गए, और जो 1200 रुपए में मिलती थी वो 550 करोड़ रुपए में हुई। अब इतना प्रोडक्शन हुआ कि अब मैं अभी पीपी किट को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दो करके मैंने पीयूष गोयल जी को रिक्वेस्ट की। अब सैनिटाइजर जैसे शुरुआत हुई 1200 रुपए लीटर बनता था, फिर अभी शुगर मिल थी, हमारे यहाँ मेरी भी है, मैं किसानों में काम करता हूँ, तो मैंने सब शुगर मिल को कहा कि भाई शुगर से आप ये जो शुगर मिल में अल्कोहल बनाते हो आप सैनिटाइजर बनाओ, और इतना सैनिटाइजर बना कि मैंने 1 लाख बॉटल हमारे यहाँ फुकट बांटी और भाव कर दिया 160 रुपए लीटर, इतना सैनिटाइजर बना। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। अब पीपी किट चाइना से नहीं आएगी, अगरबत्ती की काड़िया और चमचे आइसक्रीम खाने के चाइना से आ रहे थे, मैंने 30% उसमें अपना ड्यूटी बढ़ाने के लिए कहा पीयूष जी को। अब मैंने कहा कि हिंदुस्तान में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी चाइना से आएंगे? तो अभी त्रिपुरा मेघालय में सब जगह कारखाने शुरू हो गए, उस प्रकार के बांबू का प्लांटेशन शुरू हो गया और हो गया। आपको पता है राजस्थान में, वो जरा आप ताकत दीजिए इस प्रोजेक्ट को, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
ये अपना ये शेखावत के कॉन्स्टिट्यूंसी के आजू बाजू है, ये इसराइल के लोगों के साथ सहयोग करके, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ऑलिव का प्लांटेशन किया था, ऑलिव ऑयल वर्ल्ड में लगता है, और राजस्थान में ये ऑलिव का प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको यही कहूंगा कि अब हमारे देश में हम $9 बिलियन का तेल एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ गेहूं सरप्लस है, चावल सरप्लस है, शुगर सरप्लस है, 3 साल तक लगेगा उतना गेहूं और चावल है, 2 साल तक लगेगी इतनी शुगर है, पूरा खराब हो गए, पूरा किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, और हम लोग खाने का तेल $9 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आज राजस्थान में अगर ऑलिव का प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ और वो ऑयल निकलेगा तो हमारा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा, और ऑलिव का ऑयल 350 रुपये लीटर का है, तो फॉरेन एक्सचेंज में राजस्थान के किसान पैसे कमाएंगे। तो ऐसी बातों को बढ़ाना होगा, तो यही मैं कहूंगा कि ये इसके बारे में निश्चित रूप से कोशिश की जा सकती है। केतरी जी, आपका प्रोजेक्ट बहुत तेजी से हाईवे का बढ़ रहा था, अब लेकिन ये जो कोरोना है इसमें आपको क्या उम्मीद है कि वो रफ्तार जिसकी आप तैयारी कर रहे थे और लगातार वो इस गति से चला रहे थे, तो उसको लेके आप कितने कंसर्न हैं और कैसे उसको वापस, क्योंकि मजदूरों को वापस लाना, रफ्तार पकड़ाना, क्या चैलेंजेस लग रहे हैं और कैसे निपटेंगे? आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि आप राजस्थान के पत्रकार मिलकर एक बार हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहे इसके ऊपर जाओ, मैं 1,00,000 करोड़ का हाईवे बना रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन पूरा हो गया लगभग, राजस्थान में थोड़े बहुत अड़चने थी वो पूरा हुआ, और ये हाईवे दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम कर रहा है। और ये हाईवे की विशेषता ये है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये सोना से शुरू होगा गुड़गांव के पास है, ये अलवर सवाई माधोपुर से होकर, झाबुआ रतलाम से होकर, ये वडोदरा से मुंबई जाएगा, पूरा बैकवर्ड एरिया है, एस्पोरन डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। और ये हाईवे के आजू बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का प्लानिंग हम कर रहे हैं, और 62 में से 32 पैकेज अवार्ड कर दिए, और मैं 3 साल के अंदर ये रोड बना दूंगा, आपको विश्वास से बताता हूँ। कोई अभी तकलीफ भी है, अड़चने है, समस्या है, पर समस्या में मात करना यही तो लीडरशिप की परीक्षा होती है। तो हम लोग अभी भी 30 किलोमीटर पर डे तक आए मार्च एंड में, अब मैंने कहा है कि 1,500,000 करोड़ के काम 2 साल में अवार्ड करना है, ये टारगेट है, ये कमिटमेंट नहीं है, नहीं तो आप 2 साल के बाद छाप ये मत हेडिंग छापना कि गडकरी फेल हो गया। जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना कि तूने मेरिट में पास होना चाहिए, 95% तुमको मिलना चाहिए, इट इज द टारगेट गिवन बाय द पेरेंट्स टू द स्टूडेंट, तो ऐसे ये मेरा टारगेट है। शायद देखो मैं 80-85 कितना कर सकता हूँ या 95 कर सकता हूँ, ये 2 साल के बाद दिखेगा। जो जो कहा मैंने वो लगभग तो काफी बातें होती हुई आई है, तो आप सबके शुभकामनाओं के साथ होगा। तो अड़चने हैं पर हाईवे सेक्टर दौड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और ये सेक्टर निश्चित रूप से हिंदुस्तान की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ कोशिश बहुत सही कहा सर आपने, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अभी आपने स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र किया था, और अभी कुछ समय पहले आपने कहा भी था कि हम बहुत जल्द स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा करेंगे, और आपने ये भी बताया था कि वित्त मंत्रालय की ओर से क्लियरेंस मिलने में देरी है, तो क्या लगता है कब तक ये स्क्रैप पॉलिसी आ जाएगी सर? देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि 2 साल से मैं कह रहा हूं और इसको मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसमें कैसा है कि एक आदमी अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करता है, तो मैंने ये कहा था कि सरकार उसके ऊपर कोई इंसेंटिव दे, राज्य सरकार और भारत सरकार। फिर उसमें ऐसा है कि जो GST नई गाड़ी लेते हैं तो ये इसके उसमें अगर जो पुराने गाड़ी का सर्टिफिकेट देगा उसको GST में कुछ कंसेशन दे तो ही लोग करेंगे स्क्रैपिंग। फिर ये जो नए मैन्युफैक्चरर है जो सब है वो अगर सर्टिफिकेट लेके कोई जाता है तो उसको कुछ डिस्काउंट दे, तो ये सबसे बात करवाते करवाते कोई मुझे सफलता नहीं मिली, और ये 2 साल तक मामला लटका हुआ रहा था और इसमें यूनैनिमिटी नहीं बन पाई। तो मैं इस बात में 2 साल की देरी को बहुत बड़ी देरी मानता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें देरी हुई है, पर अभी मैंने उसमें पॉलिसी चेंज कर दी, और अभी मेरे सेक्रेटरी, मैं यहाँ से मॉनिटरिंग करता हूँ, बातचीत करता हूँ,
तो लगभग आप लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज करके जल्दी ही एक पॉलिसी, मैं जैसे दिल्ली आऊंगा, मैं भी नागपुर में हूँ, मैं इसका फाइनल निर्णय करके जाहिर करूंगा। जो मैं चाहता था वो होना कठिन लगता है मुझे, तो हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकाला है और मेरे सेक्रेटरी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली जैसे जाऊंगा ये पॉलिसी फाइनल हो जाएगी। हाँ मुकेश जी, जी एक और सवाल आता है कि चाहे बसें हो या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अभी जब इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल ही रहा है, ऐसे में शुरुआत जब हुई थी तब आपकी मिनिस्ट्री की ओर से काफी सारे गाइडलाइंस आए और काफी उपयोगी भी रहे, हालांकि कुछ समय बाद तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। अब जो ये इन्फेक्शन का खतरा अभी आने वाले कितने समय बना रहेगा, उसको कैसे निपटेंगे, उसको लेके क्या प्लानिंग है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रेलवे, बस और एयरपोर्ट यानी हवाई जहाज, इसके बारे में निर्णय होम मिनिस्ट्री गाइडलाइन दे के करेगी। प्रधानमंत्री जी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं और इसलिए इसके बारे में अधिकृत घोषणाएं वही कर पाएंगे, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। पर मेरा इतना ही इसमें से कहना है, जो व्यक्तिगत मेरा मत है, मैं उन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके साथ एमएसएमई भी जुड़ी हुई है, छोटे छोटे लोगों के उनका धंधा जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि जैसे हम जाते समय मेडिकल सर्टिफिकेट ले ले कि कोरोना नहीं है। दूसरी ओर हवाई जहाज में, रेलवे में और बस में हम लोग 1 मीटर से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ ना करें। स्टेशन पर, बस स्टेशन पर जाते समय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग करके अपना टिकट बुक करेंगे, उतने ही लोग केवल स्टेशन पर आ पाएंगे, स्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पर आएंगे, बाकी लोगों को आने के लिए मनाही होगी और वो अपने केवल बस छूटने के 1 घंटा पहले ही आ पाएंगे, उसके पहले नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार के कुछ सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी, जो बात पहले मैंने आपको कही थी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की पद्धति कोरोना वायरस के साथ ढूंढनी होगी। अभी जैसे आपके अखबार में लोग आते हैं तो आपके यहाँ अगर उनके बेंच लग लग के होंगे तो आपको 1-1 मीटर का डिस्टेंस बढ़ाकर सबका मेंटेन करना पड़ेगा। यूरिनल में जाना है, चाय के टपरी पर जाना है, अगर आपके अखबार में रेस्टोरेंट में, तो एक समय कितने लोग जाएंगे वो पहले तय करना पड़ेगा, वहाँ भीड़ नहीं होगी। जो बाहर निकलेंगे तो वो भी एक एक स्पीड, एक एक हिस्से निकलेंगे। तो आपको भी हर जगह पर, हर संस्था को, हर कंपनी को, हर प्रतिष्ठान को अपने आप में एक नई गाइडलाइन इशू करनी होगी, तभी हम इसमें से निकल पाएंगे। अगर हमारे पास ये वैक्सीन मिल जाएगा और सबने वैक्सीन ले लिया तो फिर ये सब बातों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब तक हमको इन बातों से जाना पड़ेगा, इसके सिवा कोई पर्याय मुझे नहीं लगता। सर अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी आपने बात की थी और कितना बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, किस तरह से तरक्की कर रहा है, वो भी आपने बात की। लेकिन ऑटो का जो रिटेल सेक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा तबका है और इसकी बहुत लंबे समय से मांग है कि इसको भी एमएसएमई का दर्जा दिया जाए। और फाड़ा जो कि इनकी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, ये भी डीलर्स को कहता रहा है कि सरकार के स्तर पर बातचीत जारी है, बहुत जल्द ऐसा कुछ होगा। तो क्या क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ फैसला कब तक ले पाएगी? देखिए, इसमें जो ऑटो डीलर्स है जो ये गाड़ियां बेचते हैं, इनको हमारी भाषा में अधिकारी बोलती है ट्रेडर्स है, पर ये ट्रेडर्स नहीं है, ये गाड़ी आकर बेचते भी है तो सर्विसिंग करते हैं, फिर ये धीरे धीरे गाड़ियों के बारे में चेंजेस भी करते हैं, फिर गाड़ी से अलग अलग जो प्रकार की बॉडीज बनानी है, जैसे ट्रैक्टर बेचते हैं तो ट्रॉली खुद बनाते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के स्पेयर पार्ट्स भी बनाने की बात करते हैं। तो अब इस बारे में मैं तो भी समाधानी नहीं हूँ कि इनको एमएसएमई में जो नहीं लिया गया इस लॉजिक से। तो कल मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो एमडी है डॉक्टर पवन गोयन का, इनका भी पत्र आया है। हमारे यहाँ नागपुर में आशीष काले करके इनके एसोसिएशन के प्रमुख है, उन्होंने भी मुझे लिखा है कि हमको एमएसएमई करके करिए। तो मुझे लगता है जैसे सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को हमने एक कर दिया है और इनकी बात का निर्णय मैं अभी दिल्ली जाऊंगा और हमारे अधिकारियों का पक्ष सुनूंगा। मैं मेंटली प्रिपेयर हूं कि ये इनका करना चाहिए, शायद मैं कमिटमेंट नहीं करता, पर मैं जाने के बाद इसमें पॉजिटिव वे आउट निकाल के कुछ करने की कोशिश करूंगा। हाँ मुकेश जी, आखिरी में सब ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये
प्रवासी मजदूरों की पूरी क्राइसिस रही। लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस समय में लगा कि उनके बारे में सोचा नहीं गया, उसके बाद उन्हें बार बार अलग अलग तरह के नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, फिर तमाम तरह के विवाद होते रहे रेलवे को लेके, बसों को लेके। क्या आपको लगता है कि आप पार्टी अध्यक्ष रहे हैं और सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं भाजपा के, क्या भाजपा की जो सरकार है उसको थोड़ा सा इसमें ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, और इससे क्या पार्टी के अंदर कुछ सोच और भी आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ही प्रामाणिकता से, वैसे मैं जो सच है वही बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय कोरोना की लड़ाई के समय जात पंथ धर्म भाषा पार्टी राजनीति इससे ऊपर उठकर न लड़ने की आवश्यकता है। और मैं ना भाजपा ना कांग्रेस इस बातों में ना सोचता हूँ ना कुछ करता हूँ। जो केरल के सरकार ने कोरोना पर अच्छी जीत मिलाई तो मैंने उनका अभिनंदन किया कि अच्छी बात है। अरुणाचल और गोवा की सरकार में जीरो है पेशेंट तो अच्छी बात है कहीं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि मैंने पहली बात कहा कि ये दुनिया में आया हुआ पहला संकट है इस प्रकार का, ये कोरोना वायरस का। अब क्या होता है कि जब नो वन इज इमेजिन, अच्छा वो क्या आगे कुछ निर्णय करो तो भी अड़चन आती है, नहीं करो तो भी अड़चन आती है। इसी विचित्र स्थिति से हम जा रहे थे कि यह समस्या अलग अलग प्रकार की, पहले पहली बार हमने ये इसको हम लोग इसको झेल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों के बारे में अभी काफी जो घोषणाएं हुई कि माइग्रेंट लेबर के लिए रेशनिंग कार्ड ऐसा है कि वो जहां चाहे वहां अनाज ले पाएंगे, गेहूं चावल जो उनको मिलता है। दूसरी बात ऐसी है कि उनके लिए कैंप खोलने की बात हुई, फिर उनके लिए नरेगा के काम शुरू करने की बात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये जो बिहार यूपी से दूर से मुंबई में या अलग अलग राज्यों में जो लेबर आए, कोई खुशी से नहीं आया, मजबूरी से आए। उनके गांव में, उनके जिले में, उनके राज्यों में रोजगार नहीं था इसलिए आए। और इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम लोग गए हुए लेबर्स को, पहली बात तो जो है बाकी, और एक ये भी परसेप्शन गलत है कि 100% सब माइग्रेंट लेबर पर इंडस्ट्री चल रही है, सच नहीं है। वो 15% 10% 20% का होगा, तो कोई इंडस्ट्री से बंद होगी एकदम ऐसा परिणाम नहीं है। पर जो ऐसे लेबर है वो अगर फिर से आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और उनको वापस लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरा, जो लोग अब वापस जाना चाहते हैं, जो डरे हुए हैं, जो निगेटिव मनस्थिति में है और जिनका मनस्वास्थ्य ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकली भी देखो, पटना जाना है, लखनऊ जाना है और पैदल चलने लगे बच्चों को उठाकर डर के कारण, फियर के कारण, उनका काउंसिलिंग करके उनमें पॉजिटिव कॉन्फिडेंस निर्माण करना पड़ेगा, डर हटाना होगा और उनको वही उनकी व्यवस्था करके अगर रोजगार सुरक्षित कर दिया तो वो टिक जाएंगे। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अब हमने जैसे इंडस्ट्री वालों को भी सोचना पड़ेगा कि अपने लेबर की, आज मैं कल एक कॉन्फ्रेंस में था तो इंडियन एक्सप्रेस के इसमें जो उनका ये होता है बहुत बड़ा एक पेज का इंटरव्यू होता है, आइडिया एक्सचेंज, उसमें था। तो ये जो TVS के जो मालिक थे वेणु श्रीनिवासन, उनका बड़का सुदर्शन वेणु, वो कह रहा था कि उसने उसकी फैक्ट्री, वो 50% बजाज जैसी बड़ी है जो अपने एक्सपोर्ट भी करते हैं, फैक्ट्री शुरू कर दी। और उसने कहा कि मेरे फैक्ट्री में मैंने भोजन की और रहने की भी व्यवस्था करके दी। अब बहुत से लोगों ने ये व्यवस्थाएं भी करके दी है ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो, अच्छा फूड, रीजनेबल फूड उनको मिले, उनके रहने की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है ये वापस जाने की बात नहीं होगी। ओवरऑल इस प्रॉब्लम को, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ, संवेदनशीलता के साथ, लेबर की परिस्थिति को समझते हुए और मानसिक दृष्टि से भी उसको सामर्थ्यवान बनाना और उसका रोजगार उसको तुरंत रिटेन करना, रोजी रोटी की बात उसकी तुरंत शुरू कर देना, तो ये परिस्थिति नियंत्रण में आएगी और मार्ग निकलेगा, यही वे आउट उसका सोल्यूशन हो सकता है। सर आखिरी सवाल क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा सा बच गया है, इससे पहले बजट और आर्थिक सर्वे में सर MSE सेक्टर के लिए कई तरह की घोषणाएं हुई थी और उसके बाद फिर आपने ये कहा था कि इस MSE क्षेत्र में जो है हम अगले 5 साल के अंदर 5 करोड़ नए रोजगार के मौके उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अब इस कोरोना काल के बाद क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, हमारे देश के टोटल GDP ग्रोथ में MSME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 29% है, जब ये डेफिनेशन पुरानी थी।
अब ये 29% को हम लोग 50% करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि एमएसएमई सेक्टर में एक्सपोर्ट 48% है, मैं राजस्थान में काफी लोग एक्सपोर्ट करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, ये एक्सपोर्ट हम टोटल हमारे ग्रो एक्सपोर्ट में 60% करना चाहते हैं, ये टारगेट है। तीसरी बात ऐसी है कि अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं, हम 5 करोड़ जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। और चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्राइबल सेक्टर और रूरल सेक्टर, और जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसके तरफ मेरे डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। और हर देहात में, हर विलेज में एक बड़ी इंडस्ट्री हो जिसको हम लोग एग्रो एमएसएमई कहेंगे, फिशिंग एमएसएमई कहेंगे, हनी की एमएसएमई होगी, एग्रो एमएसएमई होगी। और एग्रो एमएसएमई में उसी गांव में एक स्कूल भी होगी, कॉलेज भी होगा, और रेंटल हाउसिंग के साथ लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग भी होगा। स्मार्ट शहर जैसे बनेंगे वैसे स्मार्ट विलेज बनेंगे, और उस इंडस्ट्री के कारण वो गांव डेवलप होगा, गांव के जवान लड़कों को वही काम होगा। तो इस प्रकार का एक योजना अब तैयार कर रहे हैं, काफी कुछ फाइनलाइज हुई है। और ये एग्रो एमएसएमई, ये मेरे हिसाब से अभी हमारा टर्नओवर विलेज इंडस्ट्री के नाम से 88,000 करोड़ का था, अब ये टर्नओवर 2 साल में 5 लाख करोड़ का करना है। आपको पता ही है हमारे यहाँ ताड़ी माड़ी जो नीरा नीरा मिलती है सुबह, वो जो पेड़ से चढ़ के निकालते हैं, तो उसके अभी 200 क्लस्टर हम तैयार कर रहे हैं। हनी का उत्पादन 10 गुना बढ़ा रहे हैं, बाम्बू से कपड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, हनी का बिस्किट बना रहे हैं। हमारे यहाँ वर्धा में विनोबाजी भावे के आश्रम ने प्रेरणा लेकर ये हनी, गाय का घी और गाय का दूध, इससे एक बिस्किट बनाया है और वो बड़ा पॉपुलर है। तो अब हमने मदर डेयरी को ये काम दिया, उन्होंने बनाया उसको अलग अलग फ्लेवर पर, और वह वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो सकता है। 100% गाय का घी, गोरस पाक उसका नाम है, गाय का घी, हनी और दूध गाय का। अब ये इससे गाय का दूध को, घी को, हनी को, हनी की इकोनॉमी में 10 गुना बड़ी करना चाहता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से ये, जैसे मैंने घड़ी बताई, कारपेट बताया, अब राजस्थान का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को मैं ताकत देना चाहता हूँ ताकि ये एक्सपोर्ट करें। तो ये 5 लाख करोड़ की विलेज इंडस्ट्री करने का हमारा एक टारगेट है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड कमिटमेंट। और अब इस टारगेट को सामने रखकर पूरे ताकत के साथ काम करेंगे। 5 साल के बाद आप भी हिसाब कर लेना, फिर मेरी मुलाकात कभी लेना, अगर सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं अपने फेलियर को भी स्वीकार करूंगा। अरे सर, बस आखिर में वक्त लगभग पूरा हो चुका है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं, और उसमें मैं विषय से हट करके लाइट मूड का एक सवाल लेना चाहता हूँ, बहुत लाइट मूड का है, और ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, इनका एक ग्रुप है जिन्होंने मुझे ये सवाल भेजे हैं कि साहब आपने बहुत भारी भरकम सवाल कर लिए, कुछ लाइट मूड के सवाल भी आप मुझसे कर दीजिए, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं वो कुछ सवाल आपसे कर लूँ। सर ये पूछना चाह रहे हैं, मौजूदा समय में आपका पसंदीदा नेता कौन है? अरे मैं समझ में नहीं पाया। एट प्रेजेंट में कौन सा ऐसा लीडर है जो आप, जिससे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मेरे लाइफ में जो मैं, जिनसे इंस्पायरेशन मिला है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, बाल ठाकरे, नानाजी देशमुख और बाला साहेब देवरस। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हमारे सबसे लोकप्रिय नेता है, और सब लोग उनको नेता के रूप में मानते हैं और उनको स्वीकार करते हैं। अभिनेता, आपका आवाज नहीं आ रहा, फिर से रिपीट करिए। पसंदीदा नेता आपने बताया नरेंद्र भाई मोदी, पसंदीदा अभिनेता? मैं तो अभी क्या है कि अभिनेता भी उम्र बढ़ गई, मेरा फेवरेट अभिनेता अमिताभ बच्चन है, पर मैं जब जंजीर और दीवार में फाइटिंग के पिक्चर बहुत देखता था, तो एक बार कैसा हुआ कि अमिताभ बच्चन जी का मुझे फोन आया था, और उन्होंने, मेरा उनकी पहचान नहीं थी, अभी तो अच्छी पहचान है, तो जैसे उनका फोन आया तो मैंने तुरंत, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, नाटक मत कर, फोन बंद कर, ऐसा मैंने डांट के कहा।
फिर फोन आया, बोले अरे भाई नितिन जी, आई एम रियली अमिताभ बच्चन स्पीकिंग। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे थे, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये हाईवे आपने बनाया देश के लिए बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैंने आनंद 5 बार देखा था, दीवार 5 बार देखा था, जंजीर 5 बार देखा था और फाइटिंग मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, हाँ तो उन्होंने मुझे कहा देखो नितिन जी, मेरा पिक्चर अच्छा होगा, गाने भी अच्छे होंगे तो 6 महीना चलेगा, संगीत और गाने अच्छे होंगे तो साल भर लोग याद रखेंगे, पर आप 55 फ्लाईओवर मुंबई के और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हम 100 साल भूल नहीं सकते। तो मैं तो उनका फैन हूँ, अब मैं भूल गया मेरे। और दूसरा, मेरे माँ ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि जो कुछ करना है उसको भूल जाना चाहिए, उसको कहना नहीं चाहिए। और इसलिए एक मराठी में एक बहुत अच्छा किताब है, वैसे उसका हिंदी मृत्युंजय, महारथी कर्ण के जीवन पर एक बहुत अच्छा है जो हिंदी में भी आया है, बहुत सुंदर है वो किताब मेरी बहुत। मैं शिवाजी सावंत उसके लेखक थे मराठी के, और हिंदी में भी उसका अनुवाद हुआ है। तो उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि विस्मृति ये भगवान ने हमारे व्यक्ति को दी हुई सबसे बड़ी देन है। तो बहुत सी बातों को समय के साथ भूल जाना और आगे जाते रहना। तो मैं भी छोटा सा सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं जो कुछ मुझे काम करता है उसका आनंद आता है, मैं समाधानी हूँ और कई अस्वस्थ नहीं हूँ, न महत्वाकांक्षी हूँ। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऐसा समझकर मैं अपने आनंद के साथ काम करते रहता हूँ। पर्सनल लाइफ में गडकरी को आराम पसंद है कि व्यायाम पसंद है? अभी आजकल आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा, मैंने ये पूरा उपयोग बहुत अच्छा किया। मैं 2 घंटा पंचकर्म करता हूँ। अभी मेरे ये जो बैठा हूँ मैं यहाँ, यहाँ एक भाषा में तैयार हुआ लगाया है, जरा इसका कैमरा लगाओ और इसके ऊपर वो मेरा मित्र है दीपक मोघे करके, उसकी ट्रायल चल रही है, मेरे को डायबिटीज है। तो ये जो मशीन है ये मैं रोज 2 घंटा लगाता हूँ और ये मशीन से डायबिटीज की शुगर कम होती है, जो प्रयोग कर रहा हूँ। फिर एक्यूपंक्चर की सुइयां लगाता हूँ, फिर मैं प्राणायाम करता हूँ, 20 चक्कर मारता हूँ। तो मैंने इस समय और रात को अलग अलग प्रकार के खाद्य बनाकर अब एंजॉय करके वो भी खाता हूँ, क्योंकि समय काफी है। फिटनेस भी। सर आखिरी 2 सवाल छोटे से, ये जान आखिरी बार आपने झूठ कब बोला? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ एक बात जरूर है कि कोई सच का जवाब देने अगर मेरे लिए संभव नहीं है, उचित नहीं है, तो मैंने उसको टाल दिया है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी झूठ आश्वासन नहीं दिया और झूठ बात कही। बहुत अड़चन का होता है तो मैं केवल उसको टाल देता हूँ, एक आधे बार वो किया होगा, पर मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जैसा वैसे ही समझे। पट्टा है तो स्वीकार करे, नहीं करना है तो ना करे, पर मैं कोई आर्टिफिशियल बात कहकर लोगों को झूठ बात नहीं करना चाहता। आखिरी सवाल सर, इस बातचीत का आखिरी सवाल, मौका मिला तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? मेरे सपने में भी एजेंडा नहीं है, भगवान ने मेरी हैसियत और औकात से मुझे बहुत कुछ ज्यादा दिया है। इस देश का गांव गरीब मजदूर किसान का दुख कम करने में मैं अपने जीवन को अपने परिवार को संभाल कर फिर मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे जहाँ का हूँ वहाँ 12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है विदर्भ में। मेरा लाइफ का मिशन है कि यह आत्महत्या कैसे रुके। मैं किसानों में बहुत काम करता हूँ, मैंने 10-12 हजार हार्ट के ऑपरेशंस कर दिए हैं, एग्रोविजन करता हूँ, सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, रोज 50,000 लोग आते थे। फिर मैं स्पोर्ट्स की इवेंट की, 55,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, सचिन तेंदुलकर आए थे। अब मैं अभी आत्महत्याग्रस्त किसानों के इसमें काम कर रहा हूँ, मेरा मिशन वही है। मैं 1100 एकल विद्यालय गढ़चिरौली से नक्सलाइट बेल्ट में चलाता हूँ, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं राजनीति को केवल सत्ताकरण नहीं मानता, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण मानता हूँ। और मैं अपने जीवन में मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी त्यागी समर्पित नेता नहीं हूँ, अपना घर परिवार को संभाल कर इस गरीबों के आंसू पूछना यही मेरे लिए आनंद का विषय। और आप आखिरी में आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जब बचपन में साइकिल रिक्शा में बैठकर जाता था तो जब चढ़ाव पर वो खींचता था, 3-3 लोग बैठते थे, मेरे आंखों में आंसू आते थे। मैं जब मंत्री बना तो मैंने मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा लगाई और इस देश में 1 करोड़ लोग जो आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे, वो मैकेनाइज इवन ई रिक्शा के कारण अब 50 लाख लोग उसमें से उनको नया जीवन मिला। तो मैं अक्सर मानता हूँ कि कोई एक्सप्रेस हाईवे या कोई टनल या कोई बड़ा रास्ता ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये 50 लाख गरीब लोगों को मैंने साइकिल रिक्शा से मुक्ति
मैकेनाइज्ड इवन ई रिक्शा दी, दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मैं अपने अपने मस्ती में जीता हूँ, चलते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, तो ये थे नितिन गडकरी जी, जो जिन्होंने हमारे सभी सवालों के पूरी बेबाकी के साथ जवाब दिया, जैसा कि इनका नेचर है, जैसा कि हर बातचीत में हमेशा खुलकर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। आज भी इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, उनका जवाब दिया, कहा कि कैसे इन्हें उम्मीद है कि सड़क परिवहन को लेकर इनके जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो सफल होंगे। कहना है कि जब वोकल फॉर लोकल की बात करती है और साथ ही जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ाने की बात करती है, नमस्कार।